अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, जो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। जिन चीजों की जो मैंने ली है, डब्बे के पीछे भी यानी कि बॉक्स के पीछे भी सारा कुछ लिखा होता है। चीनी आपको चाहिए 1.5 कप, थोड़ ये भर के आपने लिया। आप चाहे तो ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने व्हाइट ली है। घी या तेल अब जो यू आपको जो चाहिए वो भी आपको तकरीबन 1.5 कप तलने के लिए चाहिए होता है, ज़्यादा भी ले सकते हैं। और दूध चाहिए आपको 4 से 5 खाने के चम्मच, और लजीजा गुलाब जामुन मिक्स वो तो चाहिए ही आपको एक पैकेट। मैं आपको फिर बताती हूँ कि आगे किस तरह इसको फ्राई करना और इसका शीरा किस तरीके से बनाना। अब हम डाल रहे हैं इलायची। मैं इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो साबुत कूट के भी डाल सकते हैं, साबुत छिलके के साथ उसके दाने भी डाल सकते हैं। ये हमारा शीरा तैयार हो गया। इसको आपने सिर्फ गर्म पानी के अंदर घोलना होता है, डिजॉल्व करना होता है। शुगर को आपने इसकी वही कार और दूसरे तरीके बाकी दूसरे मीठों में होता है, उस तरीके से नहीं आपने बनाना होता इसका शीरा। इसको बस साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसको मिक्स किस तरह करना है। अब हम इसको जो इसका ड्राई है जो पाउडर जो गुलाब जामुन का, उसको अब हम मिक्स कर लेते हैं दूध के साथ। मैंने इसको पैकेट में डाल दी। इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा दूध डालें, हाथों के साथ मिक्स करें। और इसको अच्छे से भूनना है आपने, क्योंकि जब आपने इसकी बॉल्स बनानी है यानी कि गोलियाँ, तो फिर उसमें वो ना हो कि क्रैक्स पड़ जाए। और देख रहे हैं अगर दूध ज़्यादा है तो आप रहने दीजिएगा, ताकि इसका पतला ना हो सके। ये जो मिक्सचर है इसका मैंने भून लिया दूध के साथ। अगर आप चाहें तो पानी के साथ भी भून सकते हैं इसका। अच्छा सा इसको आपने मुक्की लगानी यानी कि हाथ के साथ यूं करके, ताकि इसके अंदर गुटेटियाँ ना बने, लम्स ना। ये बना रही हूँ यानी कि बॉल्स बना रही हूँ। आपने तो थोड़ा थोड़ा लेना, अच्छा जितनी आपने थोड़ी लेनी है उससे उतना ही फायदा रहती है खूबसूरत बने, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद फूल जाती है, खीरे में डाल के मजीद फूलती है। इसके अंदर कोई वो नहीं है, आप देखिए क्रैक नहीं आने चाहिए। अगर इसके अंदर क्रैक आएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं अच्छी बनती। तकरीबन सारी तैयार कर रही है। ये देखिए हल्के हाथ से आपने इसको ये बॉल्स को बनाना होता है। तकरीबन 18 to 20 बनती है, और छोटे जितने साइज की लेंगे और हल्के हाथ से इसको मूव करेंगे इस तरीके से, आपने प्रेस नहीं करना इसको। और इसके अंदर इसमें तो नहीं लिखा हुआ ऑयल डालने के लिए, कि मैंने 2 कतरे इसके अंदर या 3 वो ड्रॉप्स जो हैं वो आप ऑयल के डाल सकते हैं या वो इसको इस फ्राई करेंगे हम लोग। अगर आप चाहें तो किसी भी पैन में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्राई जिस तरह डीप होना चाहिए। ऑयल आपको जितना मैंने आपको बताया था तकरीबन उतना ही चाहिए, अगर उससे ज़्यादा भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप उससे ज़्यादा डाल सकते हैं। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म कर दिए तो ये अंदर से बॉल्स जो है इसकी कच्ची रह जाती है जो गुलाब जामुन की, इसलिए इसने आपने पहले से भी ऑयल गर्म हो जाए तो हल्का, तो फिर आपने इसको चूल्हे को बंद कर देना है। फिर उसके अंदर एक बॉल डाल के फिर आपने देखना है कि अगर ऊपर आ जाती है तो फौरन तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है, आँच या तो हल्की कर देना। अब हम इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। पहले आपने ये डाल दिए ताकि ये देख लें कि अगर तैयार हो गया ऑयल। ज़्यादा गर्म भी बहुत धीमी आंच रखनी, लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। इसी तरह आपने गैप गैप के साथ डालना है, इसको साथ साथ नहीं डालना, क्योंकि इनका साइज बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से फिर जुड़ जाते हैं। इसमें आपने चमचा नहीं हिलाना है,
इसको आपने सिर्फ पकड़ के थोड़ा सा इसको मूव कर इस तरह और ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाते हैं जैसे ही बॉल की बबल्स बन रही है ये देखिए आइए ऊपर आना इनको बस आपने साइड से करना है इस तरीके से ये वाला आपने बॉल्स को नहीं हिलाना गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं आपने खेलने बस ऑयल को आपने इस तरह मूव करना है फ्राई का कितना अच्छा कलर आ गया गुलाब जामुनों का तुमने बॉल्स बना के रखी थी खुशबू भी आना शुरू हो गई इसके अंदर से इस तरह बारी बारी आप थोड़ी थोड़ी करके जो होती है फ्राई उतार के साथ ही जो शीरा रखा हुआ है आप उसके अंदर डाल इसके अंदर डाल दिए शीरे के अंदर गुलाब जामुन अब इसको कवर करके रख लिया 15 से 20 मिनट के लिए आपने कवर करना है और फिर आपने इसको निकाल दिया आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़